नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों के साथ। खबर है उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद के बनकटी ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत पडरी से, जहां ग्राम प्रधान प्रतिनिधि अमित कुमार पांडे ने बेसिक शिक्षा अधिकारी को एक साल पहले दिया था प्रार्थना पत्र, जिसमें उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है कि पडरी ग्राम सभा में करीब 40 साल पहले बने प्राथमिक विद्यालय पूर्ण रूप से जर्जर हो चुका है, जिसका ध्वस्तीकरण जरूरी है, क्योंकि विद्यालय में करीब सैकड़ों बच्चे पढ़ाई करते हैं। विद्यालय की जर्जर छत कभी भी ढह सकती है और छत गिरने पर क्लास में उपस्थित बच्चों की बड़ी संख्या में जाने चली जाएंगी, जिसके जिम्मेदार शिक्षा विभाग और संबंधित अधिकारी होंगे। ग्राम प्रधान इसका जिम्मेदार नहीं होगा, क्योंकि कई बार अधिकारियों को अवगत कराया गया है, मगर शिक्षा विभाग मूक दर्शक बना बैठा है। देश के पीएम कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बात बहुत अच्छी है, लेकिन ऐसे जर्जर प्राथमिक विद्यालय में कोई अभिभावक कैसे अपनी बेटी को पढ़ने भेजेगा, जिसकी छत कभी भी ढह सकती है और हो सकता है बड़ा हादसा। योगी शासन में कुछ ऐसे ही अधिकारी हुए हैं निरंकुश, जो सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं पर लगा रहे हैं पलीता। प्रधान प्रतिनिधि ने बताया कि स्वास्थ्य केंद्र न होने के कारण करीब 5 किलोमीटर दूर जाकर ग्रामीणों को मिलता है प्राथमिक उपचार। बस्ती जिले के बनकटी ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत पडरी में जर्जर प्राथमिक विद्यालय के छत का मामला। चंद्रकांत पांडे की खास रिपोर्ट। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही कुछ बड़ी खबरों के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।